बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों सबको नमस्कार। और पिछली क्लास का जो टॉपिक है बच्चों जहाँ मैंने ख़त्म किया था, अब मैं अपनी बात को वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे बच्चों, आपको हम समझा रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें बच्चों आपको हमने ये समझाया था कि इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, वो सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो, एस एस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, या पी एस यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर केवल एक एच वी होती है, वो कौन सी होती है, हेड बीन। हेड बीन एच वी का प्रयोग करते हैं, और हेड बीन एच वी के साथ बच्चों हमेशा क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो इस तरीके से अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो बच्चों आप क्यों बना सकते हैं, जरा देखना, लिख भी सकते हैं आप। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेड बीन। ठीक है, इट डजेंट मैटर वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि इस टेंस में सिर्फ एक ही एच वी माने एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। इसलिए इसलिए बच्चों इस बात के ऊपर बिना इस बात की परवाह किए, किस बात की परवाह, कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है प्लूरल है, या वो मस्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन जेंडर है, मेरा मतलब कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सब्जेक्ट के बाद में एच वी लगानी चाहिए, हेड बीन। और इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद आएगा बच्चों वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कई बार समझाया है क्या होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ने को ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। इसे अन्यथा और क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो अदरवाइज नोन टू बी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, माने इसे वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, इसे वर्ब की आई एन जी फॉर्म भी कहा जाता है, और इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। उसके बाद में बच्चों आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए, और ऑब्जेक्ट जब आ जाएगा तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद बच्चों आएगा सिंस। ठीक है, यह आएगा फोर, यह आएगा कभी कभी ए डबल एल ऑल भी आता है, और लास्ट में आएगा टाइम। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम माने निश्चित समय होता है, तो उसके पहले आपको सिंस का प्रयोग करना चाहिए, परंतु यदि पीरियड ऑफ टाइम माने निश्चित समय या समय की मियाद होती है, समय की अवधि होती है, तो आपको उसके पहले किसका प्रयोग करना चाहिए, सिंस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको उसके पहले फोर का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर हो गया है? तो बच्चों ये बात आपको मैंने समझाई थी, अब आपको इसका जो यूज है उससे संबंधित एक बात और समझा देता हूं, ये आपने उतार लिया होगा। देखो क्या होता है कि जब आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हो, तो ये बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा है। जहां पर आपने हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग किया था, वहां पर इस बार आपको हैड बीन का प्रयोग, आप किसका प्रयोग करते हो, हैड बीन का प्रयोग करते हो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, जैसे मान लो ये है प्रेजेंट, क्या है ये प्रेजेंट है, और ये है फ्यूचर है। ठीक है, ये फ्यूचर है, और ये जो इससे पहले वाला पार्ट है, इसे आप क्या कहोगे, इस पहले वाले पार्ट को आप कहोगे पास्ट। तो होता क्या है बच्चों, जरा देखना, इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई काम पास्ट में यानी इस जगह से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पास्ट में मान लो कोई काम इस जगह से स्टार्ट हुआ और यह इस जगह तक चलता रहा लेकिन खत्म नहीं हुआ है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ और वह भूतकाल के किसी बिंदु तक जो लगातार भूतकाल में ही चलता रहा, भूतकाल में ही लगातार चलता रहा। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनकी, इस प्रकार के वाक्यों की, इस प्रकार का जो अर्थ है उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए आप ये टेंस पढ़ते हो। कौन सा वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर बच्चों आपके समझ में आ गया है। और इसमें एक चीज ये भी देखने लायक होती है कि कभी कभी क्या होता है कि आपको सेंटेंस दिया जाता है कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है वह बच्चों जब इनडायरेक्ट स्पीच में कहा जाता है, तो दैट ऑटोमेटिकली चेंजेस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अर्थात वह स्वतः ही क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। कैसे, एक उदाहरण से बड़ी बात समझो। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा शी शेड टू मी, शी शेड टू मी, उसने मुझे कहा, क्या कहा, वॉट हैव यू, वॉट हैव यू बीन, वॉट हैव यू बीन डूइंग, क्या बोला, वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस देन। अब बच्चों इसका मीनिंग समझो क्या है, इसका मीनिंग यह है कि उसने मुझसे पूछा कि तुम तब से क्या कर रहे हो, भाई काफी देर हो गई है,
तो शी शेड टू मी, अर्थात वह मुझसे बोली, वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस देन, अर्थात तुम तब से क्या कर रहे हो। तो बच्चों अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर ये बताइए कि उसने आपको क्या कहा, तो मैं आपको यही तो कहूंगा कि उसने मुझे ये कहा कि मैं तब से क्या कर रहा था। यानी ये जो तुम है, इस तुम की जगह क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा। जैसे एक जनरल बात है, जैसे एक मान लो उसने मुझे कहा किसी ने मुझे कहा, या जैसे मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अब आपने मुझसे पूछा कि साहब बताइए आपके पिताजी ने आपको क्या कहा, तो मैं यही तो कहूंगा कि साहब मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको किस में बदल दिया आपने, मैं में बदल दिया, और कर रहा हूं को आपने किस में बदल दिया, कर रहा था मैं बदल दिया। तो इस प्रकार से बच्चों आप क्या करते हो, परिवर्तन करते हो, और ये परिवर्तन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ताकि सामने वाला आदमी आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ सके। जैसे मैंने आपको कहा अध्यापक ने मुझसे कहा या मोहन ने मुझसे कहा मैं बीमार हूं। अब आपने मुझसे पूछा कि साहब बताओ मोहन ने आपको क्या कहा, तो मैं आपको ये कहूंगा कि मोहन ने मुझसे कहा कि मैं बीमार हूं, तो मैं थोड़ी हूं बीमार, तो मोहन है, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा मोहन ने मुझसे कहा कि वह बीमार है, वह बीमार था। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों अगर मैं बोलूंगा तो सामने वाला समझेगा कि मैं बीमार हूं, संपत राम बीमार है, जबकि संपत राम बीमार नहीं है, बीमार तो मोहन है। तो हम ये चाहते हैं कि जो तीसरा व्यक्ति, जो थर्ड पर्सन होता है, वह हमारी बात को बिल्कुल अच्छे से समझ सके। तो इन ऑर्डर टू कन्विंस और इन ऑर्डर टू मेक द थर्ड पर्सन अंडरस्टैंड अवर इंटेंशन, हम ये चाहते हैं कि जो थर्ड पर्सन है वो हमारी इंटेंशन को, अर्थात हमारे इरादे को अच्छे से समझ सके। इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसलिए बच्चों हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस केस चेंज करूंगा, इसको जरा देखना। शी शेड टू को टोल्ड में बदल दो, ये नियम बाद में समझाऊंगा लेकिन टोल्ड आ जाएगा। शी टोल्ड मी, ठीक है बच्चों, यहां किसका प्रयोग होगा, ये डब्ल्यू एच वर्ड खुद कंजंक्शन है, तो वॉट। ठीक है, अब इसको बाद में लेंगे, पहले ये बताओ सेकंड पर्सन है मी के अनुसार आई, ये इधर जाएगा, और इधर जब जाएगा तो बच्चों ये प्रेजेंट परफेक्ट ये जो है ना, ये हेड में बदल जाएगा, हेड बीन में बदल जाएगा, तो वॉट आई हेड बीन, ठीक है, डूइंग सिंस देन। अब बताओ ये क्वेश्चन मार्क हट गया, फुल स्टॉप बदल जाए, क्या समझाना चाहता हूं मैं बच्चों आपको ये भी समझाना चाहता हूं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग क्या होता है बच्चों, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसी को जब आप क्या करते हो, जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हो तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हो। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में जब कहा जाता है तो उसका प्रयोग भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने क्या देखा, इस तरीके से आपने ये देखा, और जो देखा वो बिल्कुल सही देखा। तो बच्चों इतनी बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे वाला टेंस चलेगा अपना कौन सा, आगे बच्चों जो टेंस तो होगा नहीं वो, क्योंकि फ्यूचर वाला जो पार्ट है बच्चों हम उसको टेंस नहीं मानते हैं। टेंस क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब तो होता है फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब की जो फॉर्म होती है उसी को आप टेंस कहते हैं। लेकिन बच्चों आपने क्या देखा कि फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जो फॉर्म होती है उसी को टेंस कहा जाता है, लेकिन जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि हमारे पास में फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं होती है। सिंस वी डू नॉट हैव एनी फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंस वी डू नॉट हैव एनी फ्यूचर फॉर्म ऑफ द वर्ब, चूंकि हमारे पास में फ्यूचर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमारे पास में क्या नहीं होती, मतलब कि वर्ब की कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होती। और फ्यूचर फॉर्म नहीं होती तो फिर फ्यूचर टेंस कैसे होगा, क्योंकि फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही तो क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है। तो फिर ये फ्यूचर क्या है, ये फ्यूचर बच्चों कुछ नहीं है, ये फ्यूचर टाइम ही होता है। तो जरा आप देखो सबसे पहले वाला जो पार्ट है इसका वो कौन सा है, फ्यूचर सिंपल। अब इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें इतना सा चेंज करूंगा कि यहां टेंस नहीं लगाऊंगा और कोई ज्यादा खास बात नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल है। अब बात है कि फ्यूचर सिंपल को किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या कहानी है इसकी। तो बच्चों आप इस बात को समझो कि जब मैं आपको ये कहता हूं कि क्या, जैसे मैंने आपको कहा कि आई शैल गो होम टुमारो, इसका मतलब कल मैं कहां जाऊंगा, कल मैं गांव जाऊंगा। ठीक है बच्चों, आई शेल गो होम टुमारो यानी कल मैं गांव जाऊंगा, आई शेल गो होम टुमारो यानी कल मैं गांव जाऊंगा।
अब बच्चों यहां समझाने वाली बात क्या है? वह समझाने वाली बात यह है जी, यहां शैल का प्रयोग हुआ है। बोलो विशेष बात है कि नहीं? अब मैं इसको दूसरे प्रकार समझाता हूं। अब जैसे ये आई है तो आई को हटा दिया बच्चों हमने, और इस आई की जगह हमने कर दिया क्या, शी। अब आ जाएगा विल, गो, होम, टुमारो। शी विल गो होम टुमारो का मतलब ये हो गया कि वह कहां जाएगी, शी विल गो होम टुमारो माने वह कल घर जाएगी। शी विल गो होम टुमारो यानी कल वह घर जाएगी। तो बच्चों ये विल आ गए। इन दोनों वाक्यों में क्या आपने फर्क समझा? पहली बात तो बच्चों आपने देखा जी आई शेल गो होम टुमारो अर्थात मैं कल घर जाऊंगा, तो इधर है कि वह कल घर जाएगी। तो बच्चों पहली बात तो आपने जाना कि इसके वाक्यों का अनुवाद करते समय वाक्य के अंत में गा या गी या गे का क्या होता है, ये ध्वनित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये ध्वनित होते हैं। एक बात तो समझ में आ गई है, गा गी गे। दूसरी बात ये है कि मैं पहले ही समझा चुका हूं कि गो होम होता है बच्चों, क्या होता है, गो होम होता है, और गो टू होम कभी नहीं होता है। इतनी बातें आपको समझाई जा चुकी है। अब देखो, आई शेल गो होम टुमारो यानी मैं कल घर जाऊंगा, शी विल गो होम टुमारो यानी कल वह घर जाएगी। तो फिर दोनों में फर्क क्या है बच्चों? फर्क यह है कि जो पहला सेंटेंस है वह बता रहा है सिंपल, क्या बता रहा है, सिंपल फ्यूचर। क्या बता रहा है बच्चों? वो बता रहा है सिंपल फ्यूचर नहीं, वो बता रहा है सिंपल फ्यूचरिटी। बिल्कुल सिंपल फ्यूचरिटी का मतलब साधारण बात बता रहा है, जिसे और क्या कहा जा सकता है, जिसे प्योर फ्यूचर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये प्योर फ्यूचर भी कहते हैं इसको, प्योर फ्यूचर। तो बच्चों आप ये देखो कि जो पहला वाक्य है वो क्या बता रहा है, सिंपल फ्यूचरिटी बता रहा है या प्योर फ्यूचर बता रहा है, या बच्चों इसको कहा जा सकता है, इसी को कहा जाता है अनकलर्ड, अनकलर्ड, इसी को बच्चों अनकलर्ड फ्यूचर भी कहा जाता है। तो मोटी बात यह है कि जब आप फ्यूचर की कोई बात कहना चाहते हो तो बच्चों एक नियम है, ये सब्जेक्ट है बच्चों, तो यहां सब्जेक्ट में क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का चक्कर नहीं है। यहां सीधी सी बात है, ये सब्जेक्ट है तो यह क्या स्थिति रहेगी? अगर मान लो सब्जेक्ट की जगह क्या है, आई या वी है, यानी फर्स्ट पर्सन है, तो इधर क्या आएगा जरा बताना, शेल आएगा एच वी के रूप में, ठीक है। और अगर आई वी और आई और वी को छोड़कर, यानी फर्स्ट पर्सन को छोड़ के सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन अदर, इन दोनों को छोड़ के कोई भी अदर सब्जेक्ट है, तो एच वी के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। इस प्रकार से बच्चों यदि आप फ्यूचरिटी को अभिव्यक्त करते हैं, मेरा मतलब अगर फर्स्ट पर्सन के साथ शेल और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग अगर आप करते हो सीधे सीधे तरीके से, तो इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार की जो वाक्यों से जो अर्थ निकलता है बच्चों, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अनकलर्ड फ्यूचर, यानी बिना रंगा हुआ भविष्य, या प्योर फ्यूचर, या साधारण भविष्य, या सिंपल फ्यूचरिटी, या साधारण भविष्य। अब बच्चों प्रश्न ये है कि कलर्ड और अनकलर्ड क्या है? फ्यूचर दो प्रकार के होते हैं बच्चों, कलर्ड भी होता है अनकलर्ड भी होता है। दोनों का फर्क मैं आपको भी समझाता हूं, क्या होता है कलर्ड और क्या होता है अनकलर्ड। विल और शैल का प्रयोग जब सिंपल फ्यूचरिटी बताने के लिए या प्योर फ्यूचर बताने के लिए किया जाता है, तो बच्चों उसको आप अनकलर्ड फ्यूचर कहते हैं। लेकिन विल और शैल का प्रयोग जब मॉडल की तरह अलग अलग नोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए या अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है, तब क्या होता है, तब बच्चों ये जो विल और शेल का प्रयोग है वो भी तब भी फ्यूचर ही बताता है, लेकिन तब बच्चों के कौन सा फ्यूचर बताता है, वो कलर्ड फ्यूचर बताता है, कलर्ड फ्यूचर। अब बच्चों इसको और तरीके से समझाएंगे आपको तो और बढ़िया समझ में आ जाएगी बात। जरा देखना, जैसे मैंने आपको कहा, ये कहा बच्चों मैंने जैसे आई और वी, ठीक है, यानी आप यूं कह सकते हैं अगर इसको दूसरे अर्थों में कहें हम, तो इसी को अन्यथा और क्या कहा जा सकता है, यह बच्चों फर्स्ट पर्सन, क्या ये फर्स्ट पर्सन। ध्यान दो, यदि वाक्य में किसका प्रयोग हुआ है, फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है बच्चों जरा बताना, देखो
यह है, अगर वाक्य में आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा? सहायक क्रिया के रूप में शैल का प्रयोग होगा। ठीक है, और आगे समझो। अगर मान लो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो बच्चों क्या है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं है तो फिर क्या है? अगर वो फर्स्ट पर्सन नहीं है बच्चों तो आप उसको क्या कह सकते हैं? आप उसको कह सकते हैं अदर। क्या कह सकते हैं उसको? अदर। अब आप कहोगे साहब ये अदर क्या है? अदर का मतलब हुआ बच्चों फर्स्ट पर्सन को छोड़ दो। अब क्या आ जाएगा जरा बताना? अब आ जाएगा सेकेंड पर्सन, ये आ गया सेकेंड या थर्ड पर्सन। ठीक है, अगर मान लो सेकेंड या थर्ड पर्सन है तब बताओ आप क्या करोगे? तब आप विल का प्रयोग करोगे। क्या दर्शाने के लिए? फ्यूचरिटी दर्शाने के लिए। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब समस्या आने वाली है। कभी कभी बच्चों वज्र गुणा भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यदि आई और भी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाए, ध्यान देना, यदि आई भी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाए और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, तो किसका प्रयोग होना चाहिए? विल का होना चाहिए। लेकिन विल का न करके, लेकिन बच्चों विल का न करके किसका किया जाए? शैल का किया जाए। तो ऐसे वाक्यों से बच्चों जो भाव निकलेगा, ऐसे वाक्यों से जो भाव निकलेगा उस भाव को हम क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं डी ओ डब्ल्यू पी टी, उसे बच्चों डॉप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे डॉप्ट कहते हैं। उतारो इस बात को। डॉप्ट कहते हैं। अब आप ये कहोगे साहब डॉप्ट क्या होता है? देखो, अगर डॉप्ट का मीनिंग बिल्कुल आप एक शब्द में जानना चाहो तो इसका अर्थ होता है जरूर जरूर। अगर वाक्य में जरूर जरूर का भाव हो, अगर वाक्य में अवश्य का भाव हो, किसका भाव हो? अवश्य। अवश्य भी वही होता है जिसपे आपका वश नहीं चलता है, आपका जोर नहीं चलता, तो फिर वो अवश्य हो जाता है। अगर वाक्य में अवश्य या जरूर जरूर का भाव है बच्चों तो क्या होगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ तो शैल लगाना पड़ेगा। सॉरी, ये फर्स्ट नहीं सेकंड है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ तो शैल लगाना पड़ेगा, और फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आता था, लेकिन आपको क्या लगाना पड़ेगा? विल लगाना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो डॉप्ट है इसका मतलब होता है जरूर जरूर का भाव, और ये जो डॉप्ट है इसी को क्या कहा जाता है? इसी को बच्चों कलर्ड फ्यूचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलर्ड फ्यूचर कहा जाता है। समझ में आ गई होगी मेरी बात आप ये? अब बात ये है कि साहब कैसे, हम बताते हैं आपको कैसे। डॉप्ट का मतलब क्या होता है? डी यानी क्या होता है? फिर देखो डी माने क्या होता है, जैसे बच्चों मैंने आपको एक सेंटेंस बोला। क्या सेंटेंस बोला? जैसे मैंने आपको ये कहा कि डी का मतलब होता है बच्चों क्या होता है? डी माने होता है डिटर्मिनेशन। क्या होता है? डिटर्मिनेशन। अगर वाक्य में डिटर्मिनेशन का भाव है, अगर वाक्य में दृढ़ निश्चय का भाव है तो क्या करो ये? अगर वाक्य में दृढ़ निश्चय का भाव है तो बच्चों आपको क्या करना चाहिए? आई और वी के साथ तो विल लगाना चाहिए और बाकी सबके साथ आपको शैल लगाना चाहिए। डी का मतलब डिटर्मिनेशन होता है। डी का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेशन होता है। जैसे मैंने आपको कहा आई शैल, ठीक है, आई शैल सेटअप दिस बिजनेस, आई शैल सेटअप दिस बिजनेस वेदर यू हेल्प मी और नॉट, वेदर यू हेल्प मी और नॉट। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, आप आगे वाले पार्ट को देखो, वेदर यू हेल्प मी और नॉट, चाहे तुम मेरी सहायता करो या मत करो, मैं इस बिजनेस को सेटअप करके रहूंगा। तो बच्चों मुझे बताओ कि इस बिजनेस को आप सेटअप करके रहोगे तो इसमें कौन सा भाव आ गया है? क्योंकि इसमें अवश्य का भाव आ गया है, यानी आपका दृढ़ निश्चय कर लिया आपने, डिटर्मिनेशन का भाव आ गया। कौन सा भाव आ गया जरा देखना, डी ई टी ई आर एम आई एन ए टी आई ओ एन, डिटर्मिनेशन का भाव आ गया है। इसलिए शेल के एवज में
विल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यदि आपने आई के साथ शैल का प्रयोग किया तो इसमें तो साधारण बात आएगी कि साहब मैं इस काम को करूंगा, लेकिन तुम मेरी सहायता करो ना करो, तुम चाहे मेरी सहायता करो या ना करो, मैं इस बिजनेस को शटअप करके रहूंगा। बताओ वाकिम कौन सा भाव आ गया, दृढ़ निश्चय वाला आ गया, इसलिए आई और आई के साथ तो शैल आना चाहिए था, लेकिन उसको काट के हमने विल का प्रयोग किया है। बोलो बात समझ में आ गई है। इस तरीके से बच्चों इस अपनी बात जारी रहेगी, इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे हाथ। बात समझ में आ रही है आपके? तो जो डी का मतलब समझाया मैंने आपको, किसका मतलब समझाया मैंने आपको? डी का मतलब। अब जरा आगे वाला एक मतलब और समझो। ओ यानी होता क्या? ऑर्डर। ओ यानी होता ऑर्डर। ऑर्डर को बच्चों कमांड भी कहते हैं, ऑर्डर को कमांड भी कहते हैं। अब दो बातें हैं, एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि he will go to कोटा, ऐसा बोला मैंने। ही विल गो टू कोटा, मैंने वो कोटा जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो बच्चों ये क्या है? दूसरा सेंटेंस जरा और देखना। ही शैल गो टू कोटा, यानी वह कोटा जाएगा। लेकिन बच्चों वह कोटा या तो कौन कह रहा है, या तो कोई कह रहा है कि वह कोटा जाएगा, कोई काम हो तो बता देना, और यहां पर जो है कोई अधिकारी जो है वो अपने अमातत कर्मचारी के लिए ऑर्डर निकाल रहा है, ही शैल गो टू कोटा, यानी वह कोटा अवश्य जाएगा। इसमें ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है बच्चों? इसमें ऑर्डर है, ध्यान दो। ऑर्डर को अन्यथा क्या कहा जाता है? कमांड भी कहा जाता है, आदेश या हुक्म का भाव है। यानी ये वाला तो क्या है, ये तो बता रहा है सिंपल, या यूं कह सकते हो अनकलर्ड फ्यूचर। क्या बता रहा बच्चों ये? ये तो बता रहा है अनकलर्ड फ्यूचर, अनकलर्ड, ठीक है। और ये वाला बता रहा है कलर्ड फ्यूचर, कलर्ड फ्यूचर। ये कलर्ड फ्यूचर बता रहा है। तो बच्चों ये फर्क आपको आना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये फर्क आपको आना चाहिए। ये है बच्चों क्या होता है विल और शैल की कहानी। तो आपको बताया गया कि अगर ही के साथ विल आ रहा है तो साधारण बात है, लेकिन अगर ही के साथ क्या आ रहा है, शेर आ रहा है, तो साधारण बात नहीं है, वो असाधारण बात है। साधारण बात का मतलब ये होता है कि उस बात में क्या कहा है, उसके अंदर अवश्य का भाव है, उसमें जरूर जरूर का भाव है। आगे बच्चों और बताते हैं। जैसे मान लो आपको बताया हमने क्या, डी ओ डब्ल्यू। अब डब्ल्यू में क्या होता है, वार्निंग का भाव होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि कैंडिडेट्स, जानते हो कैंडिडेट होते हैं जो परीक्षा देने जाते हैं, तो कैंडिडेट्स will not bring, candidates will not bring their mobiles, candidates will not bring, लिखना बच्चों their mobiles। तो mobile क्या होते हैं? mobile तो होते ही नहीं है, mobile क्या है जोड़ोगे, mobile phones करो, mobile phones, क्योंकि mobile तो adjective है। तो candidates will not bring their mobiles in the एग्जामिनेशन हॉल, इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो बच्चों बताओ क्या है, आपने क्या देखा कि यहां पर कैंडिडेट्स को बच्चों आगाह किया जा रहा, वार्निंग दिया जा रहा है कि वो क्या नहीं कर सकते हैं, वो परीक्षा कक्ष में अपना मोबाइल नहीं लेके आ सकते हैं। तो बच्चों कैंडिडेट्स जो है नहीं ला सकते हैं, तो यहाँ ऑर्डर का भाव है या वार्निंग का भाव, एक प्रकार से नेगेटिव ऑर्डर जो होता है वो वार्निंग होता है। तो बच्चों ये वार्निंग का भाव होता है, बिल्कुल काटो, और यहाँ किसका प्रयोग करो, यहां शैल का प्रयोग, ठीक है। अब उसी तरीके से बच्चों जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि मैं तुमको एक क्या दूंगा, घड़ी दूंगा, मैं तुमको एक लैपटॉप दूंगा, यो मानो मैंने आपको कहा अगर आप परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन आ गए तो मैं आपको क्या दूंगा, लैपटॉप दूंगा। अब बच्चों आपको लैपटॉप दूंगा तो आई विल गिव यू ए लैपटॉप। अब देखो बच्चों ये जो सेंटेंस है ना, आई विल गिव यू ए लैपटॉप, इसमें आपने क्या देखा, आई विल गिव यू ए लैपटॉप, आई विल गिव यू ए लैपटॉप, यानी
आई विल गिव यू ए लैपटॉप, समझ में आ गया है? तो इसमें क्या है कि आई विल गिव यू ए लैपटॉप में बच्चों आपने देखा है कि साथ में शैल नहीं बिल का प्रयोग किया है, यानी इस वाक्य में पी का मतलब कौन सा भाव है जरा बताना, प्रोमिस का भाव है। प्रोमिस में भी क्या होता है, कोई काम अवश्य करने की बात रहती है, यानी आई प्रोमिस टू गिव यू ए लैपटॉप, अर्थात मैं तुमको लैपटॉप देने का क्या करता हूँ, वादा करता हूँ। और बच्चों एक होता है थ्रेट, थ्रेट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कहा कि आई विल ब्रेक योर टीथ, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा इफ यू एब्यूज मी अगेन, इफ यू एब्यूज मी अगेन। अब बच्चों आपको कहा गया अगर तुम मुझे दोबारा गाली बची, एक बार तो मैंने तुमको माफ कर भी दिया है, परंतु दोबारा गाली बची तो मैं तुम्हारी क्या कर दूंगा, दांत तोड़ दूंगा। तो बच्चों आप भी बताइए कि आप दांत तोड़ दोगे तो आई के साथ में यह विल का प्रयोग किया गया है, तो बताओ शेल आएगा या विल आएगा, या विल ही आएगा, क्योंकि इस वाक्य में आप किसी को धमका रहे हो, THREAT, थ्रेट यानी धमकी का भाव, समझ में आ गया है? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर सिंपल की कहानी, एक कहानी तो ये है, कौन सी कहानी है कि ये क्या बताता है, अगर आई के साथ, आई और वी के साथ शेल आ रहा है और बाकी सबके साथ विल आ रहा है, तो ये सिर्फ क्या बताता है, अनकलर्ड फ्यूचर बताता है, या ये बताता है सिंपल फ्यूचरिटी, यह बताता है प्योर फ्यूचर, को यहां कोई समस्या नहीं है। लेकिन बच्चों कभी कभार क्या होता है, बल्कि ज्यादातर आजकल क्या होता है कि उल्टा सुलटा प्रयोग होता है, तो आप सोचते हो कि साहब ये तो आई और बी के साथ, सर ने तो शेल बताया था और ये तो बिला रहा है, तो बच्चों जब जब बिलाएगा तब तक उस वाक्य में कौन सा भाव होगा, उसमें जरूर जरूर का भाव होगा। अब प्रश्न की जरूर जरूर का भाव है तो क्या है, बच्चों वादा भी हो सकता है, धमकी भी हो सकती है थ्रेट, और बच्चों क्या हो सकता है, ऑर्डर या कमांड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिटर्मिनेशन भी हो सकता है। तो इन सभी सूरतों के अंदर वाक्य में कौन सी स्थिति आएगी, मतलब कि अवश्य या जरूर जरूर का भाव होने की स्थिति आएगी। ठीक है, तो ये बात बच्चों अगर आपकी समझ में आ गई है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अब जरा आगे वाली बात और समझिए, इसका प्रयोग और किस तरीके से होता है, इसका दूसरा यूज बताता हूं आपको। कंडीशनल सेंटेंसेज में भी आप फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो बच्चों फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में जो मोटी बात आपको बतानी थी, टेंस तो मैं बार बार बोल ही देता हूं क्योंकि मेरी भी आदत पड़ी हुई है, लेकिन मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि ये टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो फ्यूचर सिंपल को अभिव्यक्त करने का तरीका क्या है हमारे पास, फ्यूचर सिंपल को अभिव्यक्त करने का तरीका एक तो हमने क्या रखा जरा देखना, तरीका नंबर एक तो क्या है कि देखो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर या फार्मूला। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, अब आएगा बच्चों विल या शैल, ठीक है, विल या शैल आ जाएगा, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये बच्चों आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई समस्या नहीं है। अगर प्रश्नवाचक बनाना है तो इन दोनों को उठा करके यहां ले आओ, बन जाएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि हाई शैल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा भविष्य में, अभी नहीं करूंगा, वो टाइम आएगा तब करूंगा, तो कोई वादा वादा कुछ नहीं करूंगा, तो आई शेयर हेल्प यू बोला मैंने, तो मैं इसका प्रश्नवाचक क्या बनेगा, शेल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, एक रहस्य की बात, शेल आई हेल्प यू बोला, बहुत अच्छे हैं। और बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि इसका नकारात्मक बनाओ, तो आई ये शेल है, इसमें नॉट और लगा, तो आई शेल नॉट हेल्प यू, आई शेल नॉट हेल्प यू, इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और बच्चों आगे और देखो, जैसे आपसे कहा जाए कि इसका वो बनाओ इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो शेल यहां रखो, शेल आई यहां लगा दो, नॉट तीसरे स्थान पर, हेल्प यू, एक बात तो समझ में आ गई, एक बात तो बच्चों ये समझ लो, ध्यान दो, एक निष्कर्ष तो ये है, शेल या विल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, पांचवी फॉर्म, इन सब का प्रयोग करना गलत होता है। इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे आई शेल गो ये ठीक है, आई शेल हेल्प ये ठीक है, आई शेल हेल्प्ड ये गलत है, आई शेल जैसे आई शेल गो ये तो सही है, और आई शेल वेंट ये गलत है, आई शेल गॉन ये भी गलत है, आई शेल गोइंग ये भी गलत है। आपको सर आई शेल बी गोइंग तो होता है, वो एक अलग चीज है, मैंने लेकिन जो बोला उसको समझो आप, आई शेल गॉन गलत होता है, आई शेल गोइंग भी गलत होता है, और आई शेल गोज भी गलत होता है, समझ में आ गई है? तो बच्चों ये ध्यान दो, इनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पहली बात। दूसरी बात और समझो, ये बात समझ में आ गई आपके, क्या स्थिति रहती है, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब बच्चों आपने क्या किया, कर दिया इसका प्रयोग,
अब जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने की नौबत आती है तो आप क्या करते हो, कई बार जरा शेल नॉट को जोड़ भी देते हो, देखो ये आ गया शेल और ये नॉट, अब आप क्या कर देते हो, शेलंट, क्या कर देते हो, शेलंट। ये शेलंट तो बच्चों का गलत होता है, और क्या है आपको क्या कहना पड़ेगा, शांट। आगे बात समझ में, और देखो विल नॉट बराबर यह आ गया विलंट, वांट। बोलो आ गया समझ में। तो बच्चों आपको ये बताया गया है कि शेल शेल प्लस नॉट बराबर शेलंट नहीं होता, विल प्लस नॉट बराबर विलंट नहीं होता, वांट होता है। आपको हम पहले ये भी बता चुके हैं कि एम प्लस ये हो गया एम और ये नॉट, क्या कर दिया, अब आप क्या कर देते हो इसको, एमंट। तो एमंट बच्चों नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एमंट तो होता ही नहीं है, आरंट होता है। अब आप ये कहोगे साहब फिर आर प्लस नॉट बराबर, अरे बच्चों आर प्लस नॉट बराबर तो आरंट हो गए होगा, ये बात तो अंधा भी जानता है, आर प्लस नॉट बराबर तो आरंट हो गए होगा, ये बात तो अंधा भी जानता है, लेकिन आप ये भी समझ लो कि एम प्लस नॉट बराबर भी क्या होता है, यही होता है, क्या आरंट होता है। तो बच्चों इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हो। अब इसके बाद में एक अंतिम प्रयोग इसका और है, एक सेंटेंस के माध्यम से अपनी बात क्लियर कर देता हूं, कई बार की हुई है। तो फ्यूचर सिंपल का प्रयोग बच्चों आप और कहां करते हो, कंडीशनल सेंटेंस में, कैसे, जैसे इफ यू प्ले वेल, अगर तुम अच्छे से खेलोगे यू विल विन, तुम जीत जाओगे। तो बच्चों आप देखते हो ये इफ वाला जो पार्ट है सेंटेंस में, इसको बोलते हैं सबोर्डिनेट क्लोज, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसको कहा जाता है सबोर्डिनेट क्लोज। यदि सबोर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हुआ है तो आगे बच्चों फ्यूचर सिंपल का प्रयोग होता है, विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जनरली कंडीशनल सेंटेंस में ध्यान रहे बच्चों शेल का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ विल का प्रयोग होता है। क्योंकि यदि तुम अच्छे से खेलोगे तो तुम जीत जाओगे, निश्चित जीत जाओगे या नहीं जीतोगे, अच्छे से खेलोगे तो बच्चों करीब करीब निश्चित ही जीत जाओगे, क्योंकि निश्चित का भाव आ गया, अवश्य का भाव आ गया, जरूर जरूर का भाव आ गया। इसलिए बच्चों यू के साथ क्या आना चाहिए, यू के साथ कायदे तो शेल आना चाहिए वो भाव आने के कारण। लेकिन जो कंडीशनल का इस प्रकार का मामला है कि कंडीशनल सेंटेंस जो इफ से स्टार्ट होते हैं उनमें जनरली चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, इन जनरल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कभी कभी शेल भी आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर नहीं आता है, ठीक है। तो ये बच्चों कंडीशनल सेंटेंस की स्थिति है, और कंडीशनल सेंटेंस में इधर तो प्रेजेंट सिंपल आता है लेकिन उधर क्या आता है, फ्यूचर सिंपल आता है। लेकिन बच्चों अगर वाक्य में यूटी का भाव है, यूटी का मतलब जानते हो यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इधर भी प्रेजेंट सिंपल उधर भी प्रेजेंट सिंपल, जैसे इफ यू हीट बटर, अगर तुम बटर को हीट करोगे तो बच्चों क्या होगा, इट विल मेल्ट, ये पिघलेगा, ऐसे बना देते हो आप ऊपर की तरह, लेकिन बच्चों ये गलत है। क्योंकि यह क्या है बच्चों, एक वैज्ञानिक सत्य है कि अगर आप बटर को हीट करोगे तो ये पिघलेगा नहीं, ये पिघलता है, ये तो बच्चों प्रमाण वो ट्रूथ है। तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको तो काटो, ये सिंगुलर है ना, इसलिए इसको क्या करो, प्रेजेंट सिंपल में बनाने के लिए एस जोड़ दो, ये जोड़ दिया। तो बच्चों इस तरीके से बनाते हैं। तो आपने क्या देखा, फ्यूचर सिंपल टेंस जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको जानकारी प्राप्त हुई। तो आज की क्लास में तो ये है बच्चों, और आगे वाली क्लास में आपको इससे आगे वाला जो टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस वो पढ़ाएंगे। तो इस तरह से बच्चों आज की बात ये